Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to Maryam Ka Magic. Today vlog will be a little different from my other vlog. और इसमें मैंने थर्सडे एंड फ्राइडे के वीडियो क्लिप्स जो है अपने वो शेयर कर रही हूँ मैं. तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा. एक्चुअली ये व्लॉग जो है मेरी रूटीन को थोड़ा सा ठीक करने पे है. मैं थोड़ा सा अपने रूटीन को जो है ना फिक्स करना चाह रही हूँ एंड आई वॉन्ट टू मेक माई डेज मोर प्रोडक्टिव. तो यहाँ पर मैं गई थी एग्ज़ाम देने फॉर द पोस्ट ऑफ द टीचर और कबीरिया उर्दू मिडिल स्कूल जो है उसका उसमें एग्ज़ाम था मेरा. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज टोटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट बट अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम जो है ठीक ठाक गई थी. आगे जो है हमारा काम जो है मेहनत करना है और आगे अल्लाह की मर्ज़ी है जैसा भी हो. तो नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई होम. तो मैं रिटर्निंग में थोड़े से यहाँ पर शूट जो है वो की थी. तो अब मैं कर रही हूँ अपने लिए दूध गरम. रात के 2 बजने वाले हैं. अब मैं बहुत दिनों से दूध नहीं पी थी तो साथ ही साथ मैं एक नया हैबिट जो है रीडिंग का स्टार्ट करूँगी. APJ अब्दुल कलाम की माई जर्नी बुक है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी, तो वो मैं पढ़ना चाह रही थी. और मैं एक्चुअली रीडिंग अपनी जो है रीडिंग एंड लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट करना चाह रही थी. बहुत दिनों से मैंने ये सब छोड़ा हुआ था तो ये मैंने सोचा है कि रोज़ कम से कम 5 to 10 minutes मिनिमम मैं रीड करूँगी. तो यहाँ पे अभी मैं इंट्रोडक्शन ही देख रही थी. वैसे मैं पहले भी ये बुक पढ़ी हूँ बट एट दिस टाइम आई फील दैट मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ और मैं फिर से बिल्कुल एक नई जो है ना शुरुआत कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैंने उनके फादर के बारे में पढ़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है मौलाना APJ अब्दुल कलाम जो है उनके फादर जैनुलअब्दीन जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल, प्योर, ऑनेस्ट एंड रिलीजियस पर्सन थे और उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इनके लाइफ पे पड़ा था, अपने बेटे के लाइफ पे. और पेरेंट का एक्चुअली बहुत इफ़ेक्ट होता है, बहुत इम्पैक्ट होता है अपने बच्चों पे. तो दिन की जो है ना बहुत काफ़ी टफ शेड्यूल था तो मैं डिहाइड्रेट हो गई थी. नाउ आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटिंग और साथ ही साथ बुक भी स्टडी कर रही हूँ. वाटर इनटेक जो है उसे थोड़ा बढ़ा रही हूँ क्योंकि आज का दिन काफ़ी बिजी चला गया था तो मैं उतना पानी वगैरह पी नहीं थी. तो गाइज़ यहाँ पे मैं ये बता रही थी ना कि मुझे ये अभी मतलब कि 2-3 पेज पढ़ने के बाद ही ये लगा है कि पेरेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. मैं कभी नहीं जानती थी कि अब्दुल कलाम जो हैं उनके फादर इतने ज़्यादा रिलीजियस थे और वो लोग वो अपने बच्चे के अंदर मतलब पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को जिस तरह से डालते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे के फ्यूचर पे इम्पैक्ट करता है. तो पेरेंट्स इलिटरेट हो, लिटरेट हो, पुअर हो, रिच हो, इट डजेंट मैटर बट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना ज़्यादा पानी जो है वो पी लिया है. मतलब कि मेरी कोशिश ये है कि इस बॉटल को फिनिश करूँ, साथ ही बुक भी पढ़ती जा रही हूँ. इट इज़ जस्ट लाइक मी टाइम. और यहाँ पे मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगी कि मैं तो बहुत गुनहगार हूँ. मतलब कि मुझे याद नहीं व्हेन आई प्रेड फजर, मतलब कि मैं फजर कब पढ़ी थी मुझे लास्ट टाइम रमज़ान के बाद याद नहीं आ रहा है. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नींद खुली फजर के टाइम में और मैं नमाज़ पढ़ रही थी. और मैं ये वीडियो शेयर करने का मेन बेसिक गोल ये है कि मैं इस तरह से अपने आप से जो है ना कमिटमेंट करूं और आपके साथ जो है इसे शो करूं और एक तरह से मोटिवेशन रहे मेरे लिए कि मैं आगे चल के इंशाल्लाह इस हैबिट को कंटिन्यू करूं. क्योंकि मैं नमाज़ तो पढ़ती हूं बट फजर मेरी बहुत छूट जाती है. अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम लोग 5 वक्त की जो है नमाज़ पढ़ें. और अल्हम्दुलिल्लाह से आज फ्राइडे भी है तो फ्राइडे की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी. और साथ ही यहाँ पर कुरान पढ़ रही हूँ. कुरान में उर्दू तर्जुमा जो रोमन इंग्लिश में रहता है उसको पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ आता है. शुरू में बिल्कुल नहीं समझ आता था बट अब कुछ कुछ समझ आने लगा है. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कुरान खोलती हूँ ना तो सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयत है वो ज़रूर रीड करती हूँ, 285 एंड 286. अगर आप सूरह बकरा नहीं पढ़ पाते हैं तो भी, और वैसे भी अपने जो है ना अज़कार में सुबह और शाम के अज़कार में हमें सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को भी शामिल करना चाहिए. ये प्रोटेक्शन के लिए होता है और इनफैक्ट हमें याद कर लेना चाहिए. मुझे तो वैसे याद है बट मैं जब भी कुरान खोलती हूँ तो पहले इन्हीं 2 आयतों को पढ़ती हूँ और ये बहुत सफिशिएंट होता है प्रोटेक्शन के लिए. बहुत ज़्यादा इसकी जो है बेनिफिट है, फजीलत तो है ही बेनिफिट भी है बहुत ज़्यादा.
उसके बाद बिकॉज़ इट्स जुम्मा, और जुम्मा के दिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है नमाज के बाद वो है सूरह कहफ़ को पढ़ना. सो आई एम रिसाइटिंग द सूरह कहफ़. और सूरह कहफ़ आप पढ़ोगे ना, मतलब मैं यहाँ पे मेरा मेन पर्पज़ आपको शो करने का ये है कि सूरह कहफ़ तो हम सारे ही लोग पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं अल्लाह उन सबको हिदायत दे के जुम्मे के दिन वो पढ़ें. बट आप इसकी जब ट्रांसलेशन पढ़ोगे एंड आप इसका एक्सप्लेनेशन सुनोगे, यूट्यूब में बहुत सारे स्कॉलर्स का जो है ना एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. मुझे पहले बिल्कुल नहीं समझ आता था, फिर अब धीरे धीरे समझ आने लगा है. तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं मूसा अलैहिस्सलाम की, और भी बहुत सारी स्टोरीज, टोटल 4 स्टोरीज़ है. सूरह कहफ़ का मतलब होता है केव, मतलब गार. तो उस पर ये जो है स्टोरी है. और यहाँ पे मुझे एक आयत इसमें बहुत अच्छी लगती है, और वो ये है कि अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि मतलब औलाद और दौलत जो होती है, आपकी चिल्ड्रन और आपके जो वेल्थ है, ये सिर्फ दुनिया ही की जीनत है, आखिरत में आपके नेक अमाल ही काम आएंगे. तो हर एक आयत की अपनी फजीलत होती है. मुझे ये आयत याद थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी. मुझे आयत का तर्जुमा याद था एक्चुअली. और इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम की आप स्टोरी पढ़ोगे ना इसमें, कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मालूम होती है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ विजडम बिहाइंड दैट. और हमें जो लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे लाइफ में, वैसा क्यों हो रहा है, ये हमें क्यों छोड़ दिया, वो हमारे साथ क्यों नहीं है, हमने ये, हम जो भी लॉस होता है हमें, उसके बाद हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, काश ऐसा नहीं होना चाहिए, काश ऐसा होता. तो उस सारी चीज़ों के पीछे इतने सारे विजडम होते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बीच का. इसके अलावा भी और 2-3 स्टोरी, टोटल 4 स्टोरीज़ है इसमें. तो बस यहाँ पे मैं अपनी मतलब फिर से मैं सो गई थी फजर पढ़ने के बाद, और फिर से मैं सुबह उठी हूँ. तो ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, और उसके बाद हम लोग जो है फ्राइडे की कुछ बहुत ख़ास प्रिपरेशन नहीं है, बट थोड़ी बहुत तो करना ही चाहिए थोड़ा बहुत फ्राइडे के दिन. तो यहाँ पे मैं अपने बेटे का जो है ड्रेस निकाल दी हूँ. यहाँ ब्लैक कलर का कुर्ता है, वाइट पैजामा है, साथ ही जो है उसका हगीज़ और पाउडर, ये सारा कुछ मैं यहाँ पे रख दी हूँ. अभी ही टुक अ बाथ एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर हिम, और उसे फिर तैयार करने के बाद मैं भेज दूँगी थोड़ा खेलने के लिए. तो ये थोड़ा मस्ती भी कर रहा था. ये एक एक्चुअली में दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र, और मेरी बेबी की स्किन जो है ना, इट्स अ लिटिल सेंसिटिव. तो मैंने एक पीडिया को कहा था, तो उन्होंने जो है मुझे ये सजेस्ट किया था. तो यहाँ पे मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से रेडी हो चुका है. सो गाइज, इट्स लंच टाइम एंड आई एम इन द किचन एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग द लंच फॉर माय फैमिली एंड मी आल्सो. तो यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, साथ ही आज मैंने राइस बनाया है एंड चिकन बना रही हूँ. मैं सारे तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, जो जो छोटा छोटा सा क्लिप मैं ले पाई हूँ, दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू. तो दाल मेरा अब ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया है, बस इसे प्रेशर लगाना था. और यहाँ पे चिकन जो है वो भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर है. सो गाइस, बिकॉज फ्राइडे इज़ द स्पेशल डे ऑफ द वीक, तो अलॉन्ग विद द वर्शिप वी ऑल्सो ट्राई टू मेक सम स्पेशल मील फॉर द डे. एंड इट्स अ गुड हैबिट, वी शुड डू दिस, बिकॉज जो यूजुअल रूटीन हमारा होता है ना नॉर्मल, उससे थोड़ा सा हट के कुछ होना चाहिए. तो यहाँ पे चिकन पे मैं जो हूँ ना कोरिएंडर लीव डाल रही हूँ फॉर द गार्निशिंग. एंड यहाँ पे मेरे किचन का काम जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो अब मैं इसे फिनिश करूँगी. और मैंने बस दाल चावल और चिकन बनाया है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर अस ऑल्सो. और अब मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा सा प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि मुझे अपने एक रिलेटिव के घर जाना था. तो दैट्स वाई आई टुक दिस ड्रेस. और ये जो ड्रेस है ना मेरा, डार्क पिंक कलर का है. टॉप का कंडीशन बहुत सही है, द वर्क ऑफ द ड्रेस इज़ फाइन,
बट इसके जो बॉटम का कंडीशन है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। एक्चुअली ख़राब क्या हुआ है, बॉटम का कलर थोड़ा सा फेड हो गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉटन का है, बहुत कंफर्टेबल है। और इसके साथ ये नेट का दुपट्टा है, बहुत प्रिटी सा इसमें जो है ये डिज़ाइन दिया हुआ है, ये वर्क किया हुआ है एक्चुअली। और ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने छत पर आई थी टेरेस गार्डन पे, मुझे जो है एक्चुअली आज हार्वेस्टिंग करनी है। तो ये प्यारे प्यारे से फ्लावर है जो ब्लूम हो रहे हैं, ये मूस रोज़ का प्लांट है जिसे 9 o'clock भी कहते हैं। और यहाँ पे अमरूद मेरे जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हार्वेस्टिंग के लिए, तो वो मैं चेक कर रही थी। छोटे से पॉट में लगाई हूँ बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है ये। इफ़ यू आर अ गार्डनिंग लवर, गार्डन लवर लाइक मी, देन यू विल नो द वैल्यू और द स्पेशलिटी ऑफ द हार्वेस्टिंग। जब आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो अपने गार्डन में और उसके बाद जब आप फ्रूट्स या वेजिटेबल कुछ भी हार्वेस्ट करते हो ना, उसका जो मतलब हैप्पीनेस है वो अलग ही लेवल का होता है। सो गाइज, आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो हेयर एंड with the harvesting of the guava. If you like my video, please press the like button. If you are new in my channel, on my channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you will be able to see the notification of my upcoming videos. And this is the hibiscus flower. If you like my video, please share it. And if you have any query or any question or any suggestion, please let me know on the comment box. And tab tak ke liye enjoy kare video.